जय मसीह की दोस्तों, मैं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरे बाइबल में जो पुस्तकें हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और उन श्रेणियों का क्या क्या नाम दिया गया है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी बाइबल में पूरी 66 किताबें हैं, जिनमें से पुराने नियम की शुरुआत किताबें हैं 5 किताबें। उनको नियम शास्त्र, व्यवस्था की किताब या पंच ग्रंथ कहा जाता है, और वे किताबें हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो दोस्तों, ये रही व्यवस्था की या नियम शास्त्र की 5 किताबें, और इसके बाद आती है इतिहास की किताबें, जिनमें शामिल है यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा, नहमिया, एस्तेर। तो ये है दोस्तों इतिहास की किताबें। और आगे जब हम तीसरी श्रेणी को देखते हैं तो वहाँ पर आती है काव्य की पुस्तकें, इसको अंग्रेजी में पोएट्री भी कहते हैं। पोएट्री की किताबें इस प्रकार से हैं, जिनमें आते हैं अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सर्वोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। तो दोस्तों, ये रही काव्य की किताबें। दोस्तों, इसके बाद है चौथी श्रेणी, और इस चौथी श्रेणी में आते हैं बड़े भविष्यद्वक्ता की किताबें, जिनमें शामिल है यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल और दानियल की किताबें। दोस्तों, इसके बाद पांचवी श्रेणी है, उसमें छोटे भविष्यद्वक्ता की किताबें आते हैं, जिनमें हैं होसे, योएल, आमोस, उबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हग्गई, जकरियाह और मलाकी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो पांचवी श्रेणी है वो छोटे भविष्यद्वक्ताओं की जो किताबें हैं उसमें आते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि नए नियम की जो किताबें हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पहली श्रेणी है, वो है सुसमाचार की किताबें। तो सुसमाचार की किताबें में आता है मत्ती, मरकुस, लूका तथा यहुन्ना। इसके बाद है दोस्तों इतिहास की किताब, जिसमें केवल एक ही किताब आता है और वो है प्रेरितों के काम। इसके बाद दोस्तों नए नियम में जो तीसरी श्रेणी की जो किताबें हैं वो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियाँ। ये इस प्रकार से हैं रोमियों की पत्री, पहला कुरंथी, दूसरा कुरंथी, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतुस और फिलेमोन की पत्री। तो दोस्तों, ये रही प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियाँ। और इसके बाद है सामान्य पत्रियों की श्रेणी, जिसमें आता है इब्रानियों की पत्री, याकूब की पत्री, पहला पत्रस की पत्री, दूसरा पत्रस की पत्री, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री और यहूदा की पत्री। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहे सामान्य पत्रियों की श्रेणी। और इसके बाद आते हैं नए नियम की अंतिम जो श्रेणी है उसको देखते हैं, वो है भविष्यद्वाणी की किताब। और इस भविष्यद्वाणी की किताब में शामिल है प्रकाशित वाक्य, जो यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देखें दोस्तों, नए नियम को भी पुराने नियम को भी 5-5 श्रेणियों में बांटा गया है। और इस प्रकार से कुल बाइबल को देखते हैं तो ये 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप ऐसे ही रोचक जानकारी तथा मसीही गीत आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।